जो मैं बता रहा था आपको, दैट इज कि मेरा न्यू बाइक परसेंट में लिफ्ट लिफ्ट मांग मांग के जिम गया हूँ। किसी के लिए नॉर्मल बाइक हो सकता है, होंडा यूनिकॉर्न कुछ क्या है, नॉर्मल बाइक तो है, बट मेरे को इतना खुशी होता है ना ब्रो, क्योंकि जो बंदा लिफ्ट पे मांग मांग के जिम आया है और उसके पास अब एक बाइक है वो इंडिपेंडेंट। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। भाई दो बार हो गया फिर वीडियो पर, मतलब बातें कर रहा हूँ बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, दो बार हो गया, पता नहीं ये कहाँ रहता है मेरा। और वो जो नया वर्कआउट स्प्लिट का वीडियो बनाए थे उसमें एक वर्कआउट मतलब एक स्प्लिट क्या बोलते उसको, एक डे मिस हो गया था, दैट इज़ की चेस्ट एंड बैक, और वो इसलिए नहीं बना पाए थे, आप लोगों को पता होगा कि जिम में करंट उस दिन अवेलेबल नहीं था, सो हम लोग नहीं बना पाए थे, बट आज बनाएंगे और वो वाला स्प्लिट आपको पूरा मिल जाएगा, 6-6 वाला जो कि अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। और एक चीज़ है आपको मैं वो चीज़ रास्ते में बताऊँगा, लेकिन कि जिम अगर लेट में जाते हो तो फिर आते हो लेट पे, फिर खाना होता है लेट पे, फिर सोना लेट, सब लेट हो जाता है, तो कोई नहीं अभी अपना प्री वर्कआउट मिल ले लेते हैं और इसमें मैं लेता हूँ दही और आलू। मेरे को लगता है आलू इज़ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप ले सकते हो। सो वेलकम बैक गाइज। फिर गाइज अभी कब कब मैं ये आदत छूटेगा पता नहीं। सो एनीवे एक्चुअली क्या मैं इसके बारे में, हाँ इसके बारे में बता रहा था कि बाइक, तो एक्चुअली सीन क्या था ना, मेरे को ये बाइक खरीदते हुए 3-4 दिन हो गए, फिर आप मतलब ये अंदाज़ा लगा लो 3-4 दिन पहले मेरे पास एक बाइक नहीं था, और मैं क्या कर रहा था, पापा के बाइक से जा रहा था जिम, बट वो भी हर टाइम नहीं होता था, बोले तो 90% पापा घर नहीं रहते थे, 10% मैं उनके बाइक से जाता था, बाकी 90% मैं लिफ्ट मांग मांग के जिम गया हूँ। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं है उसके मतलब उसके लिए वेट नहीं कर सकता मैं, भाई नहीं है नहीं, क्या कर सकते हो आप, जो है उसमें उस पर फोकस करो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। स्टार्टिंग का 5 महीना मैं आराम से जिम जाना आना कर पाता था, बिकॉज मेरा फ्रेंड एक आता था जिम, तो फिर क्या हुआ उसका घर में कुछ सीन हो गया, उसको मना कर दिया कि तू नहीं आ सकता अभी, मतलब तू नहीं जा सकता, कि क्या हुआ होगा उसका। फिर मैं वो एक दिन मेरे को बोला भाई घर में मना कर दिया, अब मैं जिम नहीं जा सकता, तो भाई मेरे को टेंशन और बढ़ गई, अब कैसे जिम जाऊँ, उसके साथ तो चला जाता था अब कैसे जाऊँ। फिर भाई मेरा वो लिफ्ट विफ्ट मांगना वो चालू हो गया, कैसे भी करके जिम चला जाता था, तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ, फिर चलता रहा, फिर अभी 3-4 दिन हुआ, जितना जो कुछ था वही मिला के एक बाइक ले ली, अब बहुत खुश हूँ भाई। किसी के लिए नॉर्मल बाइक हो सकता है, होंडा यूनिकॉर्न कुछ क्या है, नॉर्मल बाइक तो है, बट मेरे को इतना खुशी होता है ना ब्रो, क्योंकि जो बंदा लिफ्ट पे मांग मांग के जिम आया है और उसके पास अब एक बाइक है वो इंडिपेंडेंट, जब भी जाए तभी भी वो जिम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सोच सकते हो उसको कितना खुशी होगी, क्योंकि मेरे को पता है भाई कैसे कैसे जिम आया हूँ। और एनीवे वो सब लिटरली गाइस आप सोच नहीं सकते, मैं 3-4 बाइक मतलब ऐसा चेंज कर करके जिम आया हूँ। चलो कोई नहीं, अब तो खुद से भी बाइक मिल गया, अब शांति से हम जिम आ सकते हैं जब दिल करे। वेलकम बैक टू द जिम। सो आज हम चेस्ट एंड बैक लगाने वाले थे जैसे कि मैं पहले बोला था, और अभी जिम पहुँचे, सो अभी अपना वार्म अप सेट लेते हैं, और चेस्ट में इंक्लाइन डंबल प्रेस से ही शुरू करूँगा, मैं अल्टरनेट करता हूँ, कभी कभी स्मिथ मशीन प्रेस देता हूँ इंक्लाइन और इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो मेरा अभी इंक्लाइन डंबल प्रेस खत्म हुआ, और जैसे कि चेस्ट के बाद बैक है, चेस्ट एंड बैक है, तो अभी बैक में लैट पुल डाउन।
work, built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. तो गाइस अभी चार डंबल प्रेस खत्म हो गया और अभी एक बार बेल रिंग लेंगे देखिए चेस्ट एंड बैक सो मैं एक चेस्ट का वर्कआउट और एक बैक का वर्कआउट साइमल्टेनियसली करता हूँ सो अभी एक बार बेल रिंग लेंगे Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.